हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बिरला करियर एकेडमी। फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा था आपसे IBPS FO नाबार्ड और IFFCO एग्जाम में जो आपका एग्रीकल्चर का पोर्शन आता है, जिस सिलेबस जिस हिसाब से वो क्वेश्चन पेपर बनाता है उस हिसाब से मैं आपको कवर अप करवा रहा था, और हमारा एनिमल हस्बेंड्री का पोर्शन चल रहा था। कल के वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि जितनी भी एनिमल कैटल ब्रीड्स है, एक्जोटिक कैटल और जो इंडिजिनियस कैटल है, उनके जो प्रॉपर ओरिजिन है उनके बारे में कल के वीडियो में चर्चा कर ली थी। और आज के वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने वाला हूँ मैं आपसे, जो कि है आपकी फ्लोर स्पेस। क्योंकि 2017-18 एग्जाम में जो पूछे गए थे क्वेश्चन फ्लोर स्पेस की, पर एनिमल के लिए कितनी जगह आवश्यक होती है, कवर्ड एरिया में पूछा गया था, उसके बाद में जो ओपन एरिया है दोनों में पूछा गया था, ठीक है। तो इससे अभी 2020 के एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना 100% बनती है। तो आज के वीडियो में मैं आप उससे कवर अप करूँगा फ्लोर स्पेस। तो आप हेडिंग लगा लीजिए फ्लोर स्पेस, आप हेडिंग लगा लीजिए फ्लोर स्पेस। फ्लोर स्पेस, ठीक है, फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट, ये जो है आपका पर एनिमल है, ठीक है, पर एनिमल फ्लोर स्पेस जो है पशु के लिए कितनी होती है उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं, सबसे पहले हमारे जो कैटल रहेगी, ब्रीड रहेगी, जो भी रहेगी आपकी बफेलो रहेगी, तो उसके बारे में कवर्ड एरिया इधर लिखूँगा, इधर ओपन एरिया रहेगा, ठीक है, वर्ग मीटर में रहेगा आपका। तो सबसे पहले हम बात करते हैं काऊ की, इधर आपका कवर्ड एरिया, ठीक है, वर्ग मीटर में। उसके बाद इधर आपका रहेगा ओपन एरिया, ओपन एरिया, ये भी आपका वर्ग मीटर में, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम काऊ की बात करते हैं, काऊ ब्रीड की, काऊ की बात करते हैं। काऊ को कवर्ड एरिया में, मतलब पर एनिमल है आपका, पर एनिमल याद रखना है कि काऊ के एक एनिमल को कवर्ड एरिया में कितने स्पेस की आवश्यकता होती है, तो याद रखना है 3.5 वर्ग मीटर जो है आवश्यकता होती है। और ओपन एरिया की बात करें तो उसका सीधा डबल कर दीजिए, 7 वर्ग मीटर, ठीक है। काऊ को कवर्ड एरिया में 3.5 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है, और ओपन एरिया की बात करें तो 7 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। उसके बाद में आगे बात करते हैं प्रेग्नेंट काऊ की, जो प्रेग्नेंट काऊ है उसके लिए कवर्ड एरिया में कितने वर्ग मीटर क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है, तो बात करते इसकी तो 4 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। और उसके बाद में जब ओपन एरिया की बात करते हैं कि ओपन एरिया में प्रेग्नेंट काऊ को कितने स्पेस की आवश्यकता होती है, तो सीधा इसका डबल कर दीजिए, 8 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। मैं आपको बता दूं कि जो ये प्रेग्नेंट काऊ का है, जो IBPS FO 2018 एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप यहाँ समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए इसका स्पेस। फिर आगे की बात करते हैं हम बफेलो, बफेलो, बफेलो को कवर्ड एरिया में कितने वर्ग मीटर क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है, तो ये भी आपका सेम रहेगा, 4 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। और इसको भी आप अगर ओपन एरिया में बात करो, इसको भी डबल करना पड़ेगा, 8 वर्ग मीटर बफेलो को ओपन एरिया में आवश्यकता होती है। अब इसकी बात करें तो ये भी आपका IBPS FO 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, IBPS FO 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे हम बात करें, काऊ हो गया आपका, प्रेग्नेंट काऊ हो गया, बफेलो का, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, काऊ का 3.5 है और प्रेग्नेंट काऊ है तो उसको थोड़ी ज़्यादा स्पेस की आवश्यकता होती है, 4 वर्ग मीटर इसका है, ठीक है। उसके बाद में आगे बात करते हैं बुल की, कि बुल को जो है कितने वर्ग मीटर क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है कवर्ड एरिया में, और कितनी आवश्यकता होती है ओपन एरिया में। तो बुल का याद रखना है आपको कि 12 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। उसके बाद में ओपन एरिया में बात करें, सीधा इसका डबल कर दीजिए, ओपन एरिया में 24 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है, ठीक है। ये आपका बुल वाला जो है नाबार्ड 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, नाबार्ड 2018, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, 4 मैंने आपको बताए, इसको थोड़ा मैं रफ कर देता हूँ, उसके बाद में आगे बात करते हैं।
इसके बाद में बात करते हैं डाउन कवर की। डाउन कवर के लिए कितने स्पेस की आवश्यकता होती है, तो इसके लिए कवर्ड एरिया में 12 वर्ग मीटर और ओपन एरिया में भी सेम आपका 12 वर्ग मीटर रहेगा। इसमें डबल नहीं करना है आपको। डाउन कवर में जो 12 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की आवश्यकता है, सेम आपका ओपन एरिया में 12 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी। उसके बाद में आगे हम बात करें यंग स्टॉक। इसको थोड़ा बता दूँ, यंग स्टॉक क्या होता है। यंग स्टॉक मतलब कि 6 महीने से ऊपर के जो रहते हैं पशु, ठीक है, मोर देन 6 मंथ यंग स्टॉक, दोनों आ सकता है आपको। मोर देन 6 मंथ या यंग स्टॉक, तो दोनों के लिए कवर्ड एरिया में आवश्यकता होती है 2 वर्ग मीटर की, और ओपन एरिया में बात कर इसको डबल कर दीजिए, 4 वर्ग मीटर क्षेत्रफल रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद में आगे बात करते हैं यंग स्टॉक, ये तो आपका मोर देन 6 मंथ था, अब यंग स्टॉक है अप टू 6 मंथ, यानी कि 6 महीने तक के जो यंग स्टॉक रहते हैं उनके लिए कवर्ड एरिया में कितने स्पेस की आवश्यकता होती है, तो आप इसको याद रखिए 1 वर्ग मीटर, ओनली 1 वर्ग मीटर, और ओपन एरिया की बात करें तो 2.5 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है, ठीक है। उसके बाद में बात करें 3 से 6 महीने के जो पशु है, 3 to 6 मंथ के जो पशु है उनके लिए कवर्ड एरिया में कितने स्पेस की आवश्यकता होती है, तो इसको आप याद रखिए 3 to 6 मंथ 1, और ये भी आपका सेम 2.5, ठीक है, तो दोनों आपके लिए सेम है यहाँ पे, तो इसको आप याद रखिए। मैंने आपको बताया था यंग स्टॉक 6 मंथ, उसके हम 6 महीने तक के और 3 से 6 महीने तक के पशु जो है उनके बारे में, ठीक है। आगे और आपका एक रहता है कि अप टू 3 मंथ, कि जो पशु केवल 3 महीने का है, ओनली 3 मंथ, ठीक है, कि जो पशु 3 महीने का है उसके लिए कितने स्पेस की आवश्यकता होती है, तो याद रखिए अप टू 3 मंथ, ठीक है। तो कवर्ड एरिया में उसके लिए 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है, कवर्ड एरिया में 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल 3 महीने तक के पशु के लिए, और इधर बात करें तो 1.5 वर्ग मीटर ओपन एरिया में आवश्यकता होती है 3 महीने तक के पशु के लिए, ठीक है। तो ये तो मैंने बात की फ्लोर स्पेस रिक्वायर्ड कितनी होती है उसके लिए, ठीक है। अब आगे मैं बात करूँगा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, उसके बाद में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, कौन से पशु में इसकी कितनी मात्रा होती है, कितनी मात्रा में देना चाहिए, उसको उसके बारे में बात करूँगा। और आपको यहाँ से एक क्वेश्चन और कभी घुमाएगा तो एक प्रकार से और पूछा जा सकता है कि इस हिसाब से अगर अपन लेते हैं कवर्ड एरिया और ओपन एरिया, तो कितने पशु आप रख सकते हो, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल कितने रख सकते हो एक ही जगह पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप नॉर्मली याद रखिए काऊ का कि मैक्सिमम 50, यानी कि जो मैंने आपको काऊ का बताया था कि 3.5 जो है कवर्ड एरिया में और 7 ओपन एरिया में स्पेस रिक्वायर्ड होती है, तो उस हिसाब से काऊ के जो कितने पशु रख सकते हैं, तो 50 पशु एक साथ में रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में प्रेग्नेंट काऊ का मैंने बताया, प्रेग्नेंट काऊ भी सेम 50, ठीक है। तो ये अगर घुमाएगा वो तो इस प्रकार से घुमा सकता है आपको यहाँ से, ठीक है। उसके बाद में आप याद रखिए बफेलो का भी सेम, बफेलो भी 50 पशु रख सकते हैं बफेलो के, ठीक है। उसके बाद में बुल की बात करें तो बुल ओनली वन रख सकते हैं। उसके बाद में डाउन कवर की बात करें, डाउन कवर का भी ओनली 1 जो है आप रख सकते हो। उसके बाद में बात करें यंग स्टॉक, जितने आपको बताया यंग स्टॉक में अगर आपको 3 मंथ आ जाए, अप टू 3 मंथ आ जाए, 3 to 6 मंथ आ जाए, या फिर यंग स्टॉक में कोई सा भी आपको आ जाए, तो उसमें आपको केवल 30 मार्क करना है, 30 एनिमल आप एक साथ में रख सकते हो, ठीक है। अब आगे हेडिंग लगा लीजिए आप न्यूट्रिएंट, फ्लोर स्पेस की बात कर ली है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल भी बात कर ली है, जो कि आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक था, और आगे भी आप इम्पोर्टेंट है आपका एक चार्ट और न्यूट्रिएंट, ठीक है। तो हेडिंग लगा लीजिए न्यूट्रिएंट कंटेंट, न्यूट्रिएंट कंटेंट इन एनिमल, ठीक है।
न्यूट्रिएंट कंटेंट इन एनिमल एंड पोल्ट्री। ठीक है, तो अब बात करते हैं सबसे पहले नाइट्रोजन, उसके बाद में बात करेंगे फास्फोरस, उसके बाद में बात करेंगे पोटाश की। ठीक है, तो ये अलग अलग पशुओं में कितनी, तो सबसे पहले केटल की बात करें तो केटल, इसकी जो यूनिट याद रखी सबसे पहले तो मिलीग्राम ड्राई पर वेट। ठीक है, ये आपकी यूनिट रहेगी, ये आपको यूनिट दी रहेगी ऑप्शन में, केवल आपको पूछा है केटल पशु में नाइट्रोजन। ठीक है, तो याद रखना है 25 से 40। ठीक है, नाइट्रोजन की मात्रा 25 से 40 होती है। उसके बाद में थोड़ा इसको मैं नीचे कर देता हूँ नाइट्रोजन को, ताकि अपने को दिक्कत नहीं आएगी आगे। नाइट्रोजन की मात्रा जो है वो इधर फास्फोरस और पोटास। ठीक है, इधर आपके पशु केटल हो गया, उसके बाद इधर सीप हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से आप भी इसका चार्ट बना लीजिए। ठीक है, तो केटल की बात करें, केटल की 25 से 40। ठीक है, उसके बाद में सीप की बात करें कि सीप में कितना होता है नाइट्रोजन, तो उसमें भी होता है 20 से 45, लगभग सेम है। उसके बाद में आगे बात करें इसके पीग सुअर में कितना होता है, तो सुअर में याद रखिए 20 से 45 सेम। उसके आगे मैं बात करूँ आपसे हॉर्स के बाद आएगा आपका पोल्ट्री में। ठीक है, तो हॉर्स में जो आपका है 17 से 30 यूनिट आपकी दे दी है, ऊपर यूनिट रहेगी केवल आपको ये याद करना है 17 से 30 हॉर्स में। उसके बाद पोल्ट्री की बात करें 28 से 62, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इसको याद रखना है पोल्ट्री 28 से 62। ठीक है, ये तो बात रही आपकी नाइट्रोजन की, अब बात करते हैं फास्फोरस और पोटास की। ठीक है, तो फास्फोरस की जो मात्रा रहती है कम रहेगी आपकी इससे, केटल में रहेगी 4 से 10, 4 to 10। ठीक है, उसके बाद में सीप की बात करें तो 4 से 11, उसके बाद में आगे बात करें पीक की 6 से 12, उसके बाद में हॉर्स की 3 से 7 और पोल्ट्री की 9 से 29। ये हाईएस्ट है आपका पोल्ट्री में सभी, तो इसको आपको याद रखना है। पोल्ट्री का पूछा जा सकता है आपको पोल्ट्री में कितनी होती है नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास। उसके बाद में पोटास की बात करें तो पोटास में 7 से 25 जो है केटल पशु में। उसके बाद में सीप में 20 से 29, पीक यानी कि सुअर की बात करें तो 15 से 48 और हॉर्स की आगे हम बात करें तो 15 से 18 और लास्ट पोल्ट्री की बात करें तो 8 से 29। ठीक है, ये तो रही आपकी एनपीके की बात, कल हम बात करेंगे कैल्शियम मैग्नीशियम और सल्फर की। ठीक है, तो आपको यहाँ से याद रखना है फ्लोर स्पेस आपको अच्छे से याद होना चाहिए, उसको रट लीजिए अच्छे से, मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल भी रट लीजिए, और उसके बाद में नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास इसमें पोल्ट्री का आप अच्छे से याद कर लीजिए, ताकि आपको IBPS FO नाबार्ड और IFCO में इससे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कोई दिक्कत ना है। और जिस फ्रेंड ने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब जरूर कर ले, और बिरला करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।